हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेस। आज हम लोग ब्लड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड भी जो है एक कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को कहा जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। पहले हम लोग जो है ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ ब्लड। इसमें हीमेटोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ ब्लड हीमेटोलॉजी इसको कहते हैं। इसका हीमेटोलॉजी साइंस का एक ब्रांच है, इसके अंतर्गत हम लोग ब्लड का अध्ययन करते हैं। या तो फिर इसमें आता है एक टॉपिक सीरम, स्टडी ऑफ सीरम। ये कहलाता है सीरोलॉजी। तो ये फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, ये तो फिर इसको कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। ये इसको ब्लड जो है क्या है, एक वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू का उदाहरण है। वैस्कुलर टिश्यू किसको कहते हैं, संवहनीय ऊतक। जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं प्लांट सेल में जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तो जाइलम का क्या काम था, खनिज लवण और पानी को जो है पत्तियों तक पहुंचाना, जड़ से लेकर के पत्तियों तक पहुंचाना जाइलम का काम था। फ्लोएम का काम था जो है भोजन को ग्लूकोज, जो है ग्लूकोज का जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो निर्माण हुआ पत्ती में, उसको जो है प्लांट के जो है सभी भागों तक पहुँचाना, यहाँ तक कि जो है उसके जड़ तक को भी पहुँचाना है उसको। तो वैस्कुलर से टिश्यू इसको एनिमल टिश्यू में ब्लड को इसलिए कहते हैं, इसका क्या काम है, ये जो है O2 ऑक्सीजन को जो है हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। या तो फिर जो है हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें जो भोजन के द्वारा ग्लूकोज प्रोटीन या जो भी इसका जो है बनता है, तो उसको क्या करता है, पूरे शरीर में जो है उसका सर्कुलेशन होता है। किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा ही होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है हमारा ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो मेन हो गया उसका, और वैस्कुलर टिश्यू हो गया। तो ये इसका हो जाएगा, ये ब्लड का इसका उदाहरण हो जाएगा। तो और अगर हम लोग देखें इसका, इसमें याद रखने वाली बात है, इसका पीएच जो होता है 7.4 होता है। ये तो ब्लड का जो है ये होता है अल्कलाइन। ब्लड का नेचर कैसा हो जाएगा, ये क्षारीय प्रकृति का होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ब्लड का क्लासिफिकेशन पहले, उसके बाद हम लोग एक एक करके उसका स्टडी करेंगे। तो ब्लड को जो है तीन भागों में बांटा जाता है। एक हो गया ब्लड सेल, ब्लड सेल्स। दूसरा हो जाएगा प्लेटलेट्स,
और तीसरा हो जाएगा प्लाज्मा। तो ब्लड का जो है तीन भाग हो गया, एक ब्लड सेल हो गया, दूसरा प्लेटलेट हो गया, तीसरा प्लाज्मा हो गया। अब जो है ब्लड सेल को इसको दो भागों में बांटते हैं, एरिथ्रोसाइट्स या फिर किसको कहते हैं हम लोग RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और दूसरा इसको ल्यूकोसाइट्स। इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। RBC WBC में अब देखिए ल्यूकोसाइट्स को जो है फिर दो भागों में बांटा जाता है, ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट्स। इसके में आ जाएगा न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल। एक ग्रेनुलोसाइट में हो जाएगा मोनोसाइट, और दूसरा लिम्फोसाइट। देखिए ब्लड को जो है हम लोग तीन भागों में बांटे हैं, ब्लड सेल, प्लेटलेट और प्लाज्मा। और ब्लड सेल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, मतलब RBC लाल जो होता है और ल्यूकोसाइट्स ये कलरलेस रंगहीन होता है। तो ल्यूकोसाइट्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स कहने का मतलब हुआ जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट होता है, मतलब कोई पिगमेंट, जिसे कोई पिगमेंट उसमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो उसी के चलते ग्रेनुल उसी को बोलते हैं ग्रेनुल। तो इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसलिए इसको ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुल प्रेजेंट होता है इसलिए ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। तो इसका उदाहरण हो गया न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, और एक ग्रेनुलोसाइट इसका हो जाएगा मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये हो जाएगा, इसमें ग्रेनुल प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसको याद रखना है ग्रेनुल्स एब्सेंट इसमें। और एक चीज और याद रखना है, ये होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इसमें इसका विशेषता हो जाएगा इसमें सिंगल न्यूक्लियस रहता है, इसको भी याद रखना है, सिंगल इसमें न्यूक्लियस मिलेगा किसमें, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट में, और इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। और दूसरा अंतर याद रखना है इसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट रहेगा पिगमेंट, और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट में जो है ग्रेनुल्स प्रेजेंट नहीं रहेगा। ये तो क्लासिफिकेशन है, इसको याद रखेंगे इससे एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, पहला देखते हैं प्लाज्मा। तो ब्लड जो है
तीन भाग से मिलकर के बना होगा, ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। तीनों को अलग कैसे करते हैं? मान लेते हैं कि इसमें जैसे एक ट्यूब में जो है ब्लड ले लिए, ठीक है, ब्लड निकाले, तो इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है, ठीक है, उसमें जो है टेस्ट ट्यूब को डाल करके जो है हाई आरपीएम मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से उसको घुमाते हैं, मतलब 2000 आरपीएम, 4000 आरपीएम, जितना मतलब हम लोग को माइन्यूट स्टडी करना होता है उतना हम लोग आरपीएम पर घुमाते हैं। तो इससे क्या होगा, तो डेंसिटी के अनुसार बैठ जाएगा, जिसका ज़्यादा डेंसिटी होगा वो क्या करेगा, वो नीचे बैठ जाएगा, जिसका कम डेंसिटी रहेगा वो ऊपर तैरेगा। तो इससे होगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये जो है नीचे बैठ जाएगा, और जो है ये प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट रहेगा ये तैरते रहेगा, तो यही हो जाएगा प्लाज्मा, ये हो जाएगा आरबीसी हो जाएगा, इसमें डब्ल्यूबीसी हो जाएगा और प्लेटलेट हो जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा। तो ये तो प्लाज्मा को हम लोग निकालते हैं इस विधि के द्वारा निकालते हैं। ये ब्लड का जो है 55% ऑफ ब्लड, ब्लड की मात्रा का, ब्लड मान लेते हैं 100 ml है तो उसमें 55 ml जो है प्लाज्मा की मात्रा होता है, इसको याद रखना है, ठीक है, ये इसका 55% इसका कंस्टिट्यूएंट हो गया ब्लड का। और दूसरा हो गया इसका कलर, येलो कलर का होता है, प्लाज्मा का रंग जो है पीला होता है। तो और इसमें प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है, तीन तरह का प्रोटीन मिलेगा, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, एंड फाइब्रिनोजन। ये तीन तरह का प्रोटीन मिलेगा। तो अगर इसको हम लोग, तो ये तो टोटल ब्लड का 55% कंसिस्टेंट हो गया, तो इसमें जो है प्लाज्मा का सिर्फ अगर हम लोग देखेंगे तो 90% इसमें वाटर मिलेगा, और प्लस 8% इसका सॉलिड पार्ट रहेगा। प्लाज्मा का जो है इसमें मतलब इसमें क्या खुला रहेगा, 92% वाटर रहता है और 8% इसमें सॉलिड पार्ट रहता है। तो सॉलिड पार्ट में क्या हो जाएगा, ये जो है ये होल अथी का हो गया, होल ब्लड का ही बता रहा है, इसमें ब्लड में जो है 92% वाटर हो जाएगा और 8% सॉलिड रहेगा। तो सॉलिड में इसमें क्या क्या घुला हुआ रहेगा, ये ब्लड के बारे में बता रहा है, टोटल ब्लड, होल ब्लड 92% वाटर रहेगा, 8% सॉलिड रहेगा, और ये बता रहा है 55% जो है ब्लड का जितना रहेगा, 100 ml अगर ब्लड लेते हैं तो उसमें 55 ml हमको प्लाज्मा मिलेगा, ये चीज़ यहाँ बता रहा है। तो टोटल ब्लड में इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, हार्मोन मिलेगा, ये सब ब्लड में तैरते रहता है, फ्लो होते रहता है, और सोडियम, पोटेशियम ये सब भी मिलेगा इसमें। तो कोलेस्ट्रॉल का जो है अध्ययन, अगर हम लोग का जो है अगर कोलेस्ट्रॉल जांचना है, टू चेक कोलेस्ट्रॉल, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को जांचना हो रहता है, तो क्या करते हैं, उसके लिए हमको सीरम चाहिए, सीरम का ज़रूरत पड़ेगा। तो सीरम क्या होता है, यह चीज़ इसको याद रखना है। तो ब्लड को अगर हम लोग क्लॉट करने के लिए छोड़ देंगे, ब्लड हो गया, इसको हम लोग जमने के लिए छोड़ देंगे, ब्लड अगर हम लोग
निकालें सीरिंज से बाहर निकालें हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या होगा जम जाएगा। तो जमने के बाद जो है मान लेते हैं कि ये जम गया, जमने के बाद जो है ये पानी छोड़ता है, ये जो है पानी छोड़ेगा तो यही जो है बचेगा तो इसी को हम लोग सीरम कहेंगे। तो जम जाएगा उसको हटा देंगे और जो लिक्विड पार्ट जो बचेगा उसी को हम लोग सीरम कहेंगे, सीरम। तो इसी का जो है उपयोग किया जाता है किसमें, कोलेस्ट्रॉल का। अगर हम लोग आप जो है पैथोलॉजी लैब में कभी गए होंगे तो वहाँ जो है कभी टेस्ट करवाने के लिए तो क्या किया होगा, पैथोलॉजिस्ट जो है आपका ब्लड को लेकर के उसको जमने के लिए टेस्ट ट्यूब में ही छोड़ देगा और उसके बाद जो है जब ब्लड जम जाएगा तो उसमें जो है जो लिक्विड जो बचेगा उसको निकाल करके आगे टेस्ट करेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूज, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो है जमने के बाद हम लोग यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो प्लाज्मा में ही जो है डायरेक्ट हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से जो है प्लाज्मा का जो लिक्विड पार्ट है यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, प्लाज्मा में ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो रहता है फाइब्रिनोजन वो क्या करेगा, तो वो मौजूद रहेगा उसमें। तो उसको हटाने के बाद अगर प्लाज्मा में हम लोग फाइब्रिनोजन को इसमें हटा देंगे, फाइब्रिनोजन, तो क्या बचाएगा, यही इसमें सीरम कहलाएगा, ये भी सीरम कहलाएगा। प्लाज्मा में अगर प्लाज्मा से हम लोग फाइब्रिनोजन को हटा देंगे तो ये भी सीरम कहलाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा, प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, तो इसका जो है डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, लाइसोसोम रहेगा इसमें, लेकिन न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसका विशेषता हो जाएगा ब्लड प्लेटलेट्स के। तो ये जो मैं होगा ये लाइसोसोम, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा, लाइसोसोम भी मिलेगा। इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, इसको ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। क्यों कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, क्योंकि ये सेक्रेट करता है, स्रावित करता है, क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या करेगा, इसको हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम जो है थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट क्या करता है, इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक केमिकल का सेक्रेशन करता है, उसे शराब होता है, उसे निकलता है, वो क्या करता है ब्लड क्लोटिंग में खून को जमने में मदद करता है। इसका क्या काम है, हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। ये खून को जमने में मदद करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन।
तो इसका विशेषता क्या हो जाएगा? नॉन न्यूक्लियर, नॉन न्यूक्लियेटेड मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, नॉन न्यूक्लियेटेड। इसका शेप हो जाएगा राउंड या ओवल, या गोल होगा या फिर अंडा के आकार का होगा। और दूसरा बायकॉन्वेक्स, इसका जो है शेप रहेगा बायकॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स रहेगा इस तरह का, दोनों तरफ से क्या रहेगा उभरा हुआ रहेगा। तो ये इसमें विशेषता होगा, इसको याद रखना है। थ्रोम्बो प्लेटलेट्स का क्या विशेषता होगा इसमें? ये थ्रोम्बो प्लास्टिन ये एक केमिकल सेक्रेट करता है, जो क्या करता है ब्लड खून को जमने में मदद करता है। दूसरा विशेषता है इसमें याद रखना है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा प्लेटलेट में। अब हम लोग देखते हैं आरबीसी, तीसरा हो जाएगा आरबीसी, इसका पूरा नाम हो जाएगा रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं आरबीसी। तो इसका दूसरा नाम जो है इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं इसको, एरिथ्रोसाइट्स इसका दूसरा नाम है, या लिखते एरिथ्रोसाइट्स। तो 55% वहां पर हम लोग देखे थे क्या प्लाज्मा हो गया 55%, तो उसमें कितना बचा 45% डब्ल्यूबीसी और आरबीसी बचेगा। तो वो 45% जो बच रहा है उसमें सॉलिड पार्ट 55% लिक्विड हो गया, तो 45% लिक्विड हो गया, तो उसमें जो है 99% जो है हमारा आरबीसी होता है। आरबीसी, आरबीसी का भाग जो है वो 45% में, 45% का 99% भाग आरबीसी होता है, और सिर्फ 1% भाग जो है क्या मिलेगा हमको डब्ल्यूबीसी मिलेगा। उसी में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये पांचों कंपोनेंट मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसका होता है हमारे शरीर में? ये आरबीसी का मात्रा मिलता है। अब देखते हैं ये इरिथ्रोसाइट जो है या आरबीसी, ये रेड कलर का होता है, इसका रंग जो है लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन उपस्थित होने के कारण, हीमोग्लोबिन एक जो है रसायन होता है, उसके उपस्थिति के कारण ही जो है हमारे खून का रंग जो क्या रहता है लाल होता है। तो इसमें रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है, इसमें एक जो है रेड कलर का पिगमेंट, यही होगा रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन। तो इसका अगर दो पार्ट करें तो ये बना है किस चीज़ का? हीम और ग्लोबिन से मिलकर के बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम पार्ट में इसमें आयरन रहता है, आयरन उपस्थित रहता है, इसको हम लोग को याद रखना है। ये पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट मौजूद रहता है, तो इसमें इसमें आपको ये चीज़ याद रखना है। और ग्लोबिन क्या है? ये प्रोटीन है, ये इसके साथ में जुड़ा रहता है। तो एक जो है एक हीमोग्लोबिन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन का एक अणु
बाइंड विद फोर मोलेक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो है एक अणु ऑक्सीजन के चार अणु को जो है क्या करता है उससे जुड़ता है। अब देख लेते हैं इसका इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये मैमल में जो है स्तनधारी जीव में नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस नहीं रहेगा। बायकॉनकेव और सर्कुलर और ऑल वर्टेब्रेट एक्सेप्ट मैमल, इसमें मिलेगा न्यूक्लिएटेड। बाय कॉन्वेक्स और ओवल, देखिए मैमल का जो है जितना भी स्तनधारी जीव है, पहले देख लेते हैं ऑल वर्टेब्रेट, जितना भी वर्टेब्रेट है इस धरती पर उसका न्यूक्लियस ऑल वर्टेब्रेट, ऑल वर्टेब्रेट में तो ह्यूमन भी आ जाएगा, मैमल जितना भी हो जाएगा, तो इसमें लिखना है एक्सेप्ट मैमल, मतलब स्तनधारी जीव को इसमें छोड़ करके ऑल वर्टेब्रेट में मैमल भी आ जाता है, लेकिन इसमें मैमल इस एक्सेप्शन में है बाद में। तो ऑल वर्टेब्रेट में जो है इसका आरबीसी का जो है उसका स्ट्रक्चर में उसमें न्यूक्लिएटेड रहेगा, उसमें न्यूक्लियस रे मिलेगा और बायकॉन्वेक्स रहेगा और ओवल अंडा के आकार का रहेगा। और जबकि मैमल में अगर हम लोग स्तनधारी जीव की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड, बायकॉन्केव और सर्कुलर होता है, गोल आकार का रहता है। तो देखेंगे ऊपर में जो है बाहरी बाहर तरफ जो है मोटा रहेगा और नीचे में आकर के क्या रहेगा, बिल्कुल पतला रहेगा, सिकुड़ा हुआ रहेगा और बाहरी साइड में फैला हुआ रहेगा। तो स्ट्रक्चर हम लोग और सर्कुलर रहेगा इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, मतलब बीच में पतला रहेगा और बाहरी तरफ जो है मोटा रहेगा, साइज चारों तरफ जो है वो उभरा हुआ रहेगा। तब इसमें याद रखना मैमल्स में जो है इसमें क्या होता है जन्म के समय में इसमें होता है आरबीसी का जो है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, आरबीसी में जो है न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तीनों प्रेजेंट रहता है जन्म के समय में। लेकिन जब जैसे जैसे मैच्योर होता है सेल, जब मैच्योर होता है तो क्या होता है उसमें ये जो है डिजेनरेट कर जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्यों ऐसा इसलिए होता है कि हमारा आरबीसी का जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता उसमें हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन स्टोर कर सके ताकि जो है हमारे शरीर के जो है एक एक सेल तक जो है ऑक्सीजन पहुँचे। तो ज़्यादा मात्रा में जो है ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ही जो है इसका न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है तीनों नष्ट हो जाता है आगे चल करके, आज जबकि शुरुआत की अवस्था में ये उपस्थित होता है। आप देखते हैं इसका लाइफ स्पान कितना होता है, इसका जीवन काल जो है आरबीसी का लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इसका होता है 120 दिन तक ये जीवित रहता है। और ये बनता कहाँ है आरबीसी, आरबीसी जो है ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, आरबीसी जो है बोन मैरो में बनता है, बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बनता है बोन मैरो। और ये नष्ट कहाँ होता है, डिस्ट्रॉय
स्प्लीन प्लीहा, ये इसको भी याद रखना है, ये चीज़ पूछा था। ये आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। इसका डिस्ट्रॉय कहाँ होता है? प्लीहा में, स्प्लीन में। और इसका लाइफ स्पान कितना है? 120 दिन तक ये जो है आरबीसी जिंदा रहता है। अब हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी। ये WBC इसको कहते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। तो RBC में एक चीज और उसमें छूट गया है। RBC में जो है कुछ जीवों का शरीर जो है ब्लू रंग का होता है, कुछ जीवों के शरीर का रंग नहीं, उसका ब्लड का रंग जो है ब्लू रंग का होता है। उसमें प्रेजेंट होता है कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड, जिसको हम लोग हीमोसाइनिन कहते हैं। उसको हम लोग याद रखेंगे, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? कॉपर, जिसको हम लोग कहते हैं कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन ये किस में मिलेगा? आर्थ्रोपोडा कैटेगरी का जितना भी जीव रहेगा, आर्थ्रोपोडा क्लास आर्थ्रोपोडा में जितना भी कैटेगरी का जीव रहेगा, उसमें वो ब्लड का रंग जो है क्या रहेगा? नीला रहता है। जैसे बिच्छू हो गया जो फिर मकड़ी हो गया, या तो फिर जो है कॉकरोच हो गया, इस तरह का जितना भी जीव है आर्थ्रोपोडा, तो उसमें जो है ये हीमोसाइनिन मिलता है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं मिलता। उसका रंग जो है खून का रंग क्या लाल होता है? नहीं रहता। तो इसको भी याद रखना। अब हम लोग देखते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कलरलेस होता है, रंगहीन, इसमें कोई रंग नहीं मिलता, इसीलिए इसको नाम रखा गया है ल्यूकोसाइट। और इसमें इसका विशेषता है न्यूक्लिएटेड। पहला विशेषता हो गया कलरलेस हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा न्यूक्लिएटेड। इसमें सभी सेल में जो है न्यूक्लियस मिलेगा। WBC के सारे टाइप में जो है न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें हो गया केंद्रक उपस्थित रहेगा, केंद्रक उपस्थित रहेगा। अब एक एक टाइप का हम लोग देखते हैं। पहला हो जाएगा इसका न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल ये तीन में न्यूट्रोफिल, ओसिनोफिल, बेसोफिल में ये तीनों क्या मिलेगा? उसमें ग्रेन्यूल, इसलिए इसको ग्रेन्यूलोसाइट भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन में बता चुके हैं। इसमें देखिए एक से अधिक न्यूक्लियस मिल रहा है, एक यहाँ भी एक न्यूक्लियस है, यहाँ भी एक न्यूक्लियस है, यहाँ भी एक न्यूक्लियस है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। और ये बता रहा है इसमें ग्रेन्यूल्स प्रजेंट है, ये बता रहा है न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस मोर देन वन, एक से अधिक न्यूक्लियस मिलेगा। और ये बता रहा है कि इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ये डॉट डॉट जो लाइन है इसमें ग्रेन्यूल्स, मतलब कोई पिगमेंट उसमें प्रेजेंट रहेगा। मतलब अगर उसको माइक्रोस्कोप देखेंगे तो आपको बिंदु बिंदु जैसे संरचना उसमें दिखाई पड़ेगा।
इसका काम क्या है? फंक्शन। फेगोसाइटिक, फेगोसाइटिक मतलब हुआ हमारे शरीर में, अगर मान लेते हैं कि ये स्किन के अंदर जो है हमारे बैक्टीरिया, या तो फिर बैक्टीरिया इंटर कर गया, या तो फिर कोई दूसरा सूक्ष्मजीव उसमें हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, तो वहाँ पे क्या करेगा, न्यूट्रोफिल उसको जो है इनगल्फ कर जाएगा, वो अपने अंदर जो है उसको क्या समझते हैं, फेगोसाइट मतलब खा जाना। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोग पढ़ चुके थे पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस, दो टाइप का पढ़े थे उसका एक फंक्शन, तो उसी तरह से फेगोसाइटिक इसमें होगा क्या, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है, उसको जो है उसको इनगल्फ कर लेगा, अंदर डाल लेगा। जैसे मान लीजिए ये है यहाँ पर प्रेजेंट है और ये न्यूट्रोफिल है, अगर हमारे शरीर में जो है से ये बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, हमारे शरीर में ये बैक्टीरिया चला आया, तो ये क्या कर लेगा, ये अपने अंदर इसको ले आएगा और इसके अंदर जो है ये ग्रेन्यूल जो प्रेजेंट होता है पिगमेंट, तो इसके साथ रिएक्शन करके इसको जो है नष्ट कर देगा, इसका काम है। तो इसको मतलब इतना समझ लीजिए कि जो है उसको खा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, अगर इम्यून सिस्टम अगर हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र, उसमें जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया न्यूट्रोफिल। दूसरा देखते हैं इओसिनोफिल। इओसिनोफिल भी जो है ये बायलोब्ड स्ट्रक्चर रहता है। इसका स्ट्रक्चर इसमें भी पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा, ये हो गया न्यूक्लियस हो गया, और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इसका ये पारासाइटिक इन्फेक्शन में, इन्फेक्शन जब होता है तो ये लड़ता है इओसिनोफिल, और दूसरा एलर्जिक रिएक्शन में, हमारे शरीर में किसी तरह का अगर एलर्जन मतलब जो कि हमारे शरीर के लिए क्या एलर्जी कॉज करता है, मान लीजिए कोई सा कोई केमिकल लगा कभी कभी आ जाता है, जिससे क्या होता है पूरे शरीर में जो है उसमें दाना दाना जैसा स्ट्रक्चर, मतलब एलर्जी हो गया आपको किसी चीज़ से, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए एलर्जिक है मतलब उस चीज़ से, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो इओसिनोफिल जो है अगर वो अगर आपके शरीर में प्रवेश कर गया है कोई एलर्जन जो है, तो वो उसके साथ जो है जुड़ जाएगा और उसका प्रभाव को खत्म करने का प्रयास करेगा। ये काम क्या है, इओसिनोफिल का काम है, ताकि आपके शरीर को जो है किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाए। ये हो गया दो देख लिए, आगे देखते हैं न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल, आगे है बेसोफिल। तीसरा हो गया बेसोफिल, इसका एस के जैसा स्ट्रक्चर रहता है, इसमें भी एक से अधिक इसमें भी न्यूक्लियस रहेगा, न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल और बेसोफिल ये तीनों में एक से अधिक न्यूक्लियस रहेगा। इसका क्या काम है, इसमें भी हिपेरिन मिलेगा, ग्रैन्यूल हिपेरिन तो मिलेगा ही, वो आगे देखेंगे।
इसमें ग्रेन्यूल पाया जाता है, इसमें भी इसका फंक्शन क्या है, रिलीज हिपायरिन, हिपायरिन और हिस्टामिन। हिपायरिन क्या करता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ये जो है रक्त को जमने नहीं देता। हमारे शरीर में जो है हिपायरिन का जो है सेक्रेशन होता है, स्राव होता है, किसके द्वारा, बेसोफिल के द्वारा। यही हिपायरिन जो है हमारे शरीर में जो है खून को जमने नहीं देता है, इसी के चलते हिपायरिन, इसको भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और हिस्टामिन, इसका फंक्शन हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे। और तो ये प्राकृतिक जो है क्या कर सकते हैं, जमने के लिए जो है रोकता है। एंटी कोगुलेंट, कोगुलेंट मतलब, कोगुलेंट मतलब जमना, एंटी मतलब जमने नहीं देना। तो और जो लैब में जिसमें जो जरूरत पड़ता है, जहाँ पे जो है खून को वहाँ पर नहीं अगर जमाना है, ठीक है, खून को जमने नहीं देना है, तो उसमें आर्टिफिशियल उसमें केमिकल डालते हैं, तो आर्टिफिशियल एंटी कोगुलेंट डालते हैं ताकि तब खून नहीं जमता। यहाँ पर नेचुरल कोगुलेंट हमारे शरीर में हिपायरिन, इसको याद रखेंगे। और ये तीनों देखे थे, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, इसमें जो है एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब ये मल्टी न्यूक्लेटेड है। अब आते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पर। मोनोसाइट, ये सिंगल न्यूक्लियस का बना होता है, एक ही न्यूक्लियस मिलेगा। ये देखिए मोनोसाइट, ये हो गया लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, ये फिर याद रखना है, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट। WBC में पांच सेल जो मिल रहा है उसमें सबसे बड़ा सेल जो है मोनोसाइट उसका रहेगा, ये सबसे बड़ा ल्यूकोसाइट का उदाहरण है, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट। ये भी क्या होता है, फेगोसाइटिक इन नेचर, फेगोसाइटिक, ये सूक्ष्म जीवों को ये भी निकल जाएगा, ये भी फेगोसाइटिक हो गया। इसको हम लोग स्कैवेंजर सेल भी कहते हैं, स्कैवेंजर सेल। स्कैवेंजर सेल मतलब कोई डेड सेल जो है अगर मर गया, कोई हमारे शरीर में कोई जो सेल मर गया है, डेड हो गया है, तो उसको ये जो है साफ करता है, हमारे शरीर से साफ कौन करता है, इसका काम है मोनोसाइट का काम है। और इंजरी कहीं पर हो गया, तो कहीं पर जो है चोट लग गया, ये तो कट गया, तो वहाँ पर जो है डेड सेल डेड हो गया, मर गया, तो उसको जो है वहाँ से हटाता है, उसका भी यही काम है इसका, मोनोसाइट का। तो मोनोसाइट में देख रहे हैं एक सिंगल न्यूक्लियस मिल रहा है, और लिम्फोसाइट इसमें भी सिंगल न्यूक्लियस ही मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका गोल संरचना मिलता है लिम्फोसाइट का। ये क्या करता है, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज,
ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। लिम्फोसाइट में भी होता है दो प्रकार का, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, उसको हम लोग इम्यून सिस्टम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है लिम्फोसाइट के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये क्या करता है, हमारे अगर ब्लड सेल में अगर पहुँच गया, ठीक है, तो ब्लड सेल में अगर कोई भी मान लीजिए सूक्ष्मजीव अगर पहुँच गया बैक्टीरिया, वो तो पूरा शरीर में फैल जाएगा, तो पूरा शरीर में फैल जाएगा तो उसको रोकने के लिए क्या करता है, लिम्फोसाइट भी ब्लड में तैरते रहता है, तो वो एंटीबॉडी जो है तैयार करेगा और जितना भी सूक्ष्म जीव रहेगा सभी से जो क्या करेगा, वो जुड़ जाएगा सभी से, उसका प्रभाव खत्म करेगा, उसका काम है तो लिम्फोसाइट। तो आज हम लोगों ने देखा कि जो है WBC का काम क्या हो गया, हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करता है, मतलब हमारे शरीर का सुरक्षा प्रणाली तैयार करता है, और जो कि RBC का क्या काम हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, O2 का ट्रांसफर ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, या तो फिर जो है ग्लूकोज का, या तो फिर हार्मोन का सेक्रेशन होता है, उसको जो है पूरे शरीर तक ब्लड के द्वारा जो है पूरे शरीर तक पहुंचाता है। इस तरह से हम लोग देख लिए कनेक्टिव टिश्यू का पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में नर्वस टिश्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।